हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग मैंने कल आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट most... फिफ्टीन इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे और आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैंने क्लास एक से दो घंटे के बाद मैंने एक वीडियो अपलोड करी जिसके अंदर पंद्रह के पंद्रह इंपोर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको ताकि क्वेश्चन बताने से कुछ नहीं होगा इस टाइम पे क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए बट जब तक आपको उसका एक्सप्लेनेशन पता नहीं रहेगा आप लिखोगे कैसे और आपको बताया क्लास क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट तरीके से पूछा आएगा मैंने जितने भी क्वेश्चन क्लास बताए हैं ना आपको क्वेश्चन को एनालाइज करके समझना पड़ेगा कि यार हाँ ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि अब डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं पूछा जाएगा। तो मैंने आपको सब कुछ कराना है। बहुत सारी चीजें करा दी है क्लास थोड़ा बहुत आज करा दूंगा अच्छे से तुम्हारा मतलब शाम तक ए टू जेड सब कुछ खत्म हो जाएगा बस क्लास चैनल पर बने रहो नोटिफिकेशन नहीं आ रही है इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कॉमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में यानी कि सॉरी कम्युनिटी टैब पे मैंने लाइन बाई लाइन बता दिया कि आज कौन कौन सी वीडियोस आने वाली हैं अगर आप उन सब को अच्छे से कर लोगे पूरी प्रिपरेशन ए टू जेड हो जाएगी राइट सो फिफ्टीन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के देखते हैं क्या क्या है और आपको उसको क्लास करना है एक एक करके सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेना अगर आप ये पंद्रह क्वेश्चन बना लेते हो ना पूरा का पूरा क्लास आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ए टू जेड खत्म हो जाएगा आठ चैप्टर है मैंने सिर्फ पंद्रह क्वेश्चन आपको दिए हैं एक करके देखना क्वेश्चन थोड़े से लेंदी रखे हैं क्लास आप लोगों के लिए क्योंकि मैं चाहता हूँ चीजें सारी कवर हो जाए कुछ बचे ना तो सबसे पहले क्लास चैप्टर वन की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को किस तरीके से हमें हमारा बर्बाद कर दिया गया इसके अंदर जमींदारी सिस्टम आ जाएगा इसके अंदर क्लास डिस्क्रिमिनेटरी टैरिप पॉलिसी है वो भी आ जाएगा बिकॉज हमने दोनों सेक्टर ले लिया है इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलप किया उन्होंने क्लास कम्युनिकेशन और रेलवे रेलवे की इंपॉर्टेंस भी आपको लिखने हैं रेलवे के बेनिफिट भी आपको लिखने हैं पहले में ये दो चीज़ें हैं मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ इतना करो आप पूरा चैप्टर करो बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोस्ट एक्सपेक्टेड है जिसको तो बिल्कुल मिस नहीं करना आपने बाकी कोई चीज मिस कर देते हो एक बार को समय नहीं है वैसे तो कुछ नहीं मिस करना बट अगर समय नहीं है तो क्लास आप इससे मैनेज कर सकते हो लॉन्ग टर्म गोल अगर आपने मैक्रो कर लिया है तो प्लीज थोड़ा सा और मेहनत लगा लो आज पांच छह घंटा दे लो दिन में क्लास आपका पूरा इंडियन भी हो जाएगा पूरा मैक्रो भी, भी हो जाएगा समझ रहे हो और वन शॉट मैंने करा दिया क्लास लगभग डेढ़ से दो घंटे के अंदर पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमी का वन शॉट भी डाल दिया है मैंने मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक डाल दूंगा ठीक है लॉन्ग टर्म गोल ऑफ फाइवर प्लान फाइव प्लान का जो लॉन्ग टर्म गोल है लॉन्ग टर्म गोल ऑफ फाइव प्लान ये पूछा सकता है क्लास ठीक है ग्रोथ हो गया मॉडर्नाइजेशन हो गया इक्विटी हो गया यानी कि जैम्स आप जी ई एम एस देख लो सेल्फ सफिशियंसी ठीक है जैम्स शॉर्ट में क्लास जैम्स याद कर लो ठीक है बचपन में जैम्स खाते थे ना वो वही जैम्स ग्रीन रेवोल्यूशन और उसकी क्लास इम्पैक्ट ये सेकंड चैप्टर है थर्ड चैप्टर के अंदर फंक्शन ऑफ डब्ल्यू और क्लास डी के एम और

प्रॉब्लम्स इन रूरल क्रेडिट क्या क्या प्रॉब्लम है रूरल क्रेडिट के अंदर एक्सप्लेन द फॉलोइंग शॉर्ट नोट्स अब देखो यहां पे ना क्लास इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है ये कुछ शॉर्ट नोट्स है जो आपको एक्सप्लेन करना ही करना है सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया नाबार्ड हो गया डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट हो गया हॉर्टिकल्चर हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग उसके ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स और क्लास उसके नुकसान यानी कि उसके क्लास डीमेरिट्स ये आपको करना है यकीन मानना क्लास पूरा पेपर कवर हो जाएगा इसमें से इनडायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपको पकड़ने की जिम्मेदारी है क्लास उसको पकड़ के रख लेना कि हाँ यार क्या पूछा जा रहा है और ये तुमने याद कर रखा आराम सेवन की बात करें इनफॉर्मलाइजेशन और डाटा बेस क्वेश्चन आज जहां पे मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सा डाटा है उसको एक्सप्लेन किस तरीके से करना है फंक्शन ऑफ एनवायरमेंट चैप्टर नाइन में इनवायरमेंट फंशन इसके अलावा क्लास यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन पूछेगा मे भी कोई इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेव कैपेसिटी इसी के अंदर आएगा ध्यान रखना फंशन के अंदर ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसके एम और स्ट्रेटेजी

क्वेश्चन है मतलब ये सभी चैप्टर में से कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स है अब इसे क्वेश्चन मत समझना क्लास ऐसे दो या तीन टर्म दे देगा बोलेगा दो एक्सप्लेन करो कोई एक एक्सप्लेन करो तो क्लास ये स्मॉल छोटे छोटे टर्म्स है आपको इसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा हालांकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है आई नो आपको लेकिन ये सारे पॉइंट एक्सप्लेन करने पड़ेंगे पक की बात है इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा आ सकता है ग्लोबल वार्मिंग बहुत सिंपल है एग्रीकल्चर में अलावा क्लास एस एस आई के इंपोर्टेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कार्वे कमेटी इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी क्या है टैरिफ फॉर ट्रेड उसके अंदर आता है इसके अलावा क्लास पाकिस्तान का रीमर्जेंस पाकिस्तान का एक तरीके से या समझ लो पाकिस्तान का फेलियर की पाकिस्तान क्यों लैक कर गया Pakistan क्यों इन तीनों कंट्री में सबसे पीछे रह गया उसके रीजन तो अगर आप इसे याद इससे क्लास पूरा का पूरा समझते हो अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा तो इसको समझने में ही कम से कम क्लास आपको एक से डेढ़ घंटा लग जाएगा बाकी क्वेश्चन में क्लास लगभग दो घंटा तीन साढ़े तीन घंटा समझ लिया एक से डेढ़ घंटा क्लास उसको बना बना के अपनी ओन लैंग्वेज में लिखने की प्रैक्टिस कर लो अच्छे से पूरा का पूरा कवर हो जाएगा आप चाहते हो कि अगर मैं आपको इन सारे के सारे आंसर्स कंपाइल करके एक वीडियो में दे दू तो प्लीज यार वीडियो को टारगेट रखते हैं पांच लाइक का फटाफट वीडियो को लाइक करो क्लास शेयर करो अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करो क्लास इसकी क्लास कुछ घंटे के अंदर अगर आपका क्लास आता है कमेंट तो मैं आज ही इसका क्लास इकट्ठा एक एक अपलोड कर दूंगा जो एक डेढ़ घंटे की होगी मैक्सिमम उससे पूरा का पूरा एक ही वीडियो से समझ आ जाएगा आपको अलग अलग वीडियो में जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक वीडियो और ये 15 के फिफ्टीन टॉपिक्स और खत्म छोटा नहीं कर सकता आप लोगों के लिए क्योंकि क्लास ये सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आप इसको बिल्कुल स्किप मत करना क्वेश्चन जरूर घुमा के आएगा क्लास उसको पढ़ना समझना ये आपकी ज़िम्मेदारी और प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में टाइम की कमी नहीं पड़ेगी अच्छे से प्रेजेंट करना अपने आंसर्स को ताकि टीचर को देखे तो खुशी महसूस होगी हाँ यार किस बच्चे ने कुछ लिखा है टीचर को तुम्हारी मेहनत दिखनी चाहिए कि हाँ यार बच्चे ने कॉपी में मेहनत करी है नीट एंड क्लीन क्लीन प्रेजेंटेशन एक्सेसिव मत लिखो इधर उधर की बातें इतना छोटा ही मत लिखो क्लास लेंथ अपनी बराबर रखो मैंने हमें से कहा है तीन से तीन नंबर का क्वेश्चन अगर है तो आठ नौ लाइन लिख दो क्लास अगर <laughs>

जिस चैप्टर में मैक्सिमम जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं सब कुछ मैं कल रिवीजन कराऊंगा तो स्टेट ट्यून कल मिलते हैं क्लास सुबह पाँच बजे लाइव हर एक बच्चा जग जाना क्लास आप रात को किसी भी कीमत पे दो बजे तक एक बजे तक सो जाना क्लास चार घंटे पाँच घंटे नींद तो कंपलसरी है पाँच बजे उठ के क्लास सारा कुछ रिविजन करेंगे और एक परसेंट अगर आपसे रिविजन मिस भी हो गया तो टेंशन मत लेना क्लास उसका लाइव जो है उस रिवीजन का जो है मतलब जो लाइव क्लास है उसको मैं डाल दूंगा आप क्लास उसे बाद में भी छह बजे सात बजे भी फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो ठीक है तो इतनी प्रिपरेशन क्लास बहुत है अब ज्यादा टेंशन मत लो क्लास बस लास्ट में क्विकली सारी चीज़ों को सम कर लो रिवाइज कर लो और क्लास अच्छे से चार घंटे नींद लो सुबह हम लोग मिलेंगे क्लास शाम को तो अभी बहुत सारी वीडियोस आएंगी लेकिन सुबह लाइव होगा ठीक है कितने बजे क्लास सुबह पाँच बजे टेक केयर बाय बाय गॉड ब्लेस यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी लगी वीडियो लाइक करना शेयर करना अपने सारे दोस्तों में